बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। SFSI YouTube चैनल की तरफ से मैं अपने तमाम बहन और भाइयों को अस्सलामुअलैकुम कहती हूँ। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे ये दरख्वास्त है कि हमारी आज की इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल SFSI को सब्सक्राइब नहीं किया तो बड़ा मेहरबानी सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल के बटन को भी दबा दें ताकि आपके पास हमारी मालूमती वीडियोस का नोटिफिकेशन बाकायदगी के साथ पहुंचता रहे। प्यारी बहनों और भाइयों, बीवी से जमा के लिए सबसे बेहतरीन वक्त रात का आखिरी हिस्सा है, क्योंकि अव्वल शब में मैदा खुराक से भरा हुआ होता है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हवाले से हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब में लिखा है कि नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रात के आखिरी हिस्सा में वितर पढ़ लेते थे, उस वक़्त अगर आपको अपनी अजवाज की हाजत होती तो उनसे कुर्बत फरमाते, वरना जाय नमाज पर लेट जाते, यहाँ तक कि हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आपको नमाज की इत्तला देते। तिब्बे नबवी में भी भरे पेट पर सोहबत ना करने को लिखा है, क्योंकि अव्वल शब में मैदा खुराक से भरा हुआ होता है। अगर किसी शख्स पर शहवत इस दर्जा गालब हो कि वो रात के आखिरी हिस्सा तक या आधी रात तक इंतज़ार ना कर सके, तो उसे चाहिए कि मगरिब से पहले ही खाना खा ले, ताकि इशा के बाद जब मसरूफ़ अमल हो तो पूरा मैदा खुराक से भरा हुआ ना हो। नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम देखने और सुनने वाले को पसंद आई होगी। आखिर में मैं अपने तमाम बहन और भाइयों से ये गुजारिश करना चाहूँगी कि हमारी इस वीडियो को सदका जारिया समझकर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मुस्तकबिल में आने वाली तमाम वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस चैनल SFSI को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जज़ाकअल्लाह।